चाहे उत्तराखंड हो या फिर उत्तर प्रदेश के वो 11 जिले जहां पर आज वोटिंग हो रही है, अलग अलग फैक्टर्स होते हैं जो जीत और हार को डिसाइड करते हैं। खासकर पश्चिमी यूपी की बात करें तो वहां का फैक्टर सीधा सीधा यही है कि सेकेंड फेज में कम्युनली सेंसिटिव ये तमाम इलाके हैं। इस फेज में जो निर्णायक वोटर है वो अल्पसंख्यक ही है। 67 में से आप अंदाजा लगा दीजिए ना, 60% सीटों पर तो 30% से ज्यादा जो है वो मुस्लिम पॉपुलेशन है जो वोट करेगी। बहरहाल हमारे साथ खास मेहमान लगातार बने हुए हैं, रामदत्त त्रिपाठी साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं लखनऊ से, जरा उनका रुख कर लेते हैं। सर, कौन से वो तमाम फैक्टर्स हैं जिन पर आपकी नजर और जिन पर उम्मीदवारों को खरा उतरना होगा आज की तारीख में? मैं आपकी आवाज नहीं सुन पा रही हूं। लेके लखीमपुर जिसमें बरेली और ठीक है सर, आ रही है आवाज? हाँ, अब आ रही है, अब आ रही है। जी, मैं ये कह रहा था कि ये जो पूरा इलाका है इसमें सहारनपुर से लेके खीरी तक, जिसमें रामपुर भी है, बरेली भी है, ये सब इसमें अल्पसंख्यक वोट काफी मायने रखते हैं। लेकिन उसका दूसरा पहलू ये भी है कि अगर कम्युनल पोलराइजेशन हो जाता है तो फिर वो अल्पसंख्यक वोट भी निरर्थक हो जाते हैं, जैसे कि लोकसभा में देखा गया। तो इसलिए बहुत कुछ तय करेगा ये जो है कि कांग्रेस और सपा का गठबंधन, क्योंकि पिछले जो चुनाव हुआ था इस 67 में से 37 सीटें इनके पास थी, तो इस और यहीं पे मायावती भी कोशिश कर रही कि उनका दलित और मुस्लिम कॉम्बिनेशन हो। उन्होंने अभी कल एक आश्वासन भी दिया है कि अगर बहुमत नहीं मिला तो वो बीजेपी के साथ हाथ नहीं मिलाएंगे, भले विपक्ष में बैठना पड़े। तो ये मुझे लगता है कि ये गठबंधन का जो सबसे बड़ा टेस्ट है वो सेकेंड फेज का ही है। अगर यहाँ गठबंधन अच्छी परफॉर्मेंस करता है तब उनको सफलता की उम्मीद है, अन्यथा काफ़ी दिक्कतें आएंगी। दूसरी बात ये है कि ये एक ऐसा इलाका है जिसमें हस्तशिल्प काफ़ी है, कुटीर उद्योग काफ़ी है, चाहे सहारनपुर का लकड़ी का हो, चाहे रामपुर में तरह का हो, मुरादाबाद का है, बरेली का। तो नोटबंदी से काफ़ी इस पर असर पड़ा है, जो व्यापार है वो बहुत हिट हुआ है। तो ये भी हमें देखना पड़ेगा कि उसका क्या असर बीजेपी के चुनाव के उस पर पड़ता है, मतदाताओं पे कितना बड़ा वो पॉइंट मतदाता मानते हैं उसको वोट देते समय। अमृत जी, मैं आती हूँ आपके पास, लेकिन ये बात भी समझनी होगी कि क्या एक बेस फैक्टर है और उसके बाद दूसरे फैक्टर्स आते हैं, या अब जिस तरीके से वोटर्स की साइकी बदल रही है कि अब चीज़ें जो हैं वो मेरे पर्सनल उस एजेंडे के हिसाब से हो तब जाकर मैं किसी को वोट करूंगा, यानी मेरी बेहतरी है, मेरे घर वालों की बेहतरी है, और बाकी सारी चीज़ें फिर जो हैं वो बैकफुट पर आ जाती है। बहरहाल मैं आपसे आगे इस मसले पर जानकारी लूं। हमारे साथ ब्रह्म प्रकाश भी बने हुए हैं और संदीप गोसाई भी बने हुए हैं। ब्रह्म प्रकाश, किस तरीके के वोटिंग पैटर्न अब आपको लगने लगा है? क्या इस बार वाकई बढ़ चढ़ के लोग हिस्सा ले रहे हैं? देखिए, रामपुर शहर की बात करें तो वोटिंग पैटर्न सुबह से ही हमने देखा है कि लोग सुबह से ही आना शुरू हो गए थे, 7 बजे से मतदान हुआ और शहर का मतदान अभी हमने सारे इलाके में जो हमारे और भी साथी हैं बात की है कि मतदान ठीक चल रहा है और अच्छी गति से। हालांकि जैसे जैसे दोपहर में धूप खिलेगी रूबिका तो और बड़ी संख्या में लोग निकलेंगे। मैं आपको कुछ तस्वीरें भी सीधे सीधे बूथ की बता दूं, और जैसा चर्चा कर रहे थे रामपुर की, अगर हम सीटों की बात करें, पांचों सीटों की और खासकर रामपुर शहर की, तो रामपुर शहर पर माइनॉरिटी की संख्या 60% से ज़्यादा है रूबिका, और यहाँ पर महिलाएँ भी बड़ी संख्या में वोट करती हैं और एक बड़ा असर रखती हैं। और बात करें पाँचों सीटों की जो रामपुर ज़िले में आती हैं, तो इसमें भी पांचों सीटों पर मुकाबला ऐसा नहीं आप कह सकती हैं कि एक तरफा हो, मुकाबला कड़ा है इस बार। और पांचों सीटों में से चार पर तो क्लियर कह सकते हैं कि त्रिकोणीय मुकाबला है, जिसमें जो दिग्गज नेता है मैदान में, चाहे आजम खान साहब हो या दूसरे नेता हो, सबको कड़ा मुकाबला मिल रहा है। त्रिकोणीय होने वाली राजनीति और नवाबशाही जो है उस पर ब्रेक लगा पाए हैं, लेकिन अब जनता को ये डिसाइड करना है कि आगे क्या वो सोचती है और क्या चाहती है, क्योंकि दबदबा हमेशा से इन तमाम इलाकों में आप जैसा बता रहे हैं कि उन तमाम नेताओं का रहा है जिनकी पकड़ मुसलमानों पर ज्यादा रही है। बहरहाल मैं आपके पास आओ, उससे पहले जरा पवन नारा का रुख कर लेते हैं। पवन भी हमारे साथ मौजूद है। पवन, कुछ शेयर करना चाह रहे हैं आप?
जी बिल्कुल, यहाँ पर कहा जाए कि सूरज के मोहताज नहीं है, ठंडी हवाएं चल रही है, सर्दी है, लेकिन पीछे की तस्वीरें आप देखेंगे तो शायद कैमरे के एक फ्रेम में इतनी लाइन ना आए। क्या पुरुष क्या महिला सभी सुबह से लाइन में लगे हैं वोट करने के लिए, अपने मत का इस्तेमाल करने के लिए। तो यहाँ बिजनौर की अगर बात करें तो यहाँ मतदाताओं में अपने वोट को लेकर जागरूकता है और एक जोश दिखाई दे रहा है। जरूर कहा जा सकता है कि सुबह सुबह इतनी लंबी कतारें दिखाती हैं कि 5 साल में मिले मौके को भुनाने के लिए तैयार है जनता।